हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीता एंड आई वेलकम यू ऑल इन 5 मिनट वाला ज्ञान डोज अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी विद डॉक्टर नीता। आज के वीडियो में भी मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। विनिंग एटीट्यूड की बात चल रही है, हिडन पोटेंशियल की बात चल रही है, अवेकनिंग योर रियल पावर की बात चल रही है। इन द सेम कंटेक्स्ट आई टेल यू अनदर स्टोरी। एक बार एक पिंजरे में एक जो अंडा था उसमें से एक छोटा सा बर्ड बाहर निकलता है। अब वो जो पंछी था, वो पंछी उस पिंजरे में ही उसकी उसका जन्म हुआ एंड उसका मास्टर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, तो उस पिंजरे में ही वो जो पंछी है वो छोटे से नन्हा सा थोड़ा बड़ा हो गया एंड उसे उसका मास्टर बहुत पसंद था, उसे उसका पिंजरा बहुत पसंद था, अच्छे से उसकी लाइफ चल रही थी। बट समहाउ एक दिन उसका जो मास्टर है वो जब उसको खाना दे रहा था उस टाइम पे वो समहाउ भूल गया एंड वो केज का जो डोर है वो खुला ही रह गया। अब डोर खुला था तो पंछी को पता नहीं था कि डोर के बाहर क्या है, तो ही वॉज जस्ट वंडरिंग, तो वो जाने की कोशिश कर रहा था उसके बाहर। जैसे ही वो बाहर जाने को गया, क्योंकि वो हैंगिंग था, उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। अब जब वो नीचे गिर गया समहाउ उसने उसके पंख फड़फड़ाए तो वो गिरने से बच गया। थोड़ा सा डिस्टेंस पे जब वो बस टच ही करने वाला था ग्राउंड को और समहाउ उसने उसके विंग्स को फड़फड़ाया और वो हवा में तैर गया, तो उसे पता ही नहीं था कि वो उड़ सकता है। अब वो फिर से नीचे जाने वाला था तो फिर से पंख फड़फड़ाने लगा एंड फिर वो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। कभी वो गिर रहा था, कभी वो संभलने की कोशिश कर रहा था एंड समहाउ एक ज़ोर से हवा का झोंका आया और अपने साथ उसको ले उड़ा और ये पंछी भी बस उड़ने लग गया और फिर वो ऊपर जाने लग गया। फिर जब वो ऊपर 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 जाने लगा और जब वो नीचे देख रहा था तो उसे नीचे की दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी। अब तक तो उसने उसको केज ही देखा था, उसको उस केज के बाहर क्या है बस उतना ही दिखता था, इतना छोटा सा वर्ल्ड था उसका। बट समहाउ व्हेन ही वेंट अप हाई इन द स्काई एंड ही वाज स्टार्टेड फ्लाइंग, ही वाज अमेज्ड बिकॉज दिस यूनिवर्स ही वाज नॉट सीन एनी टाइम इन हिज लाइफ एंड वो बहुत उसको सब कुछ अमेजिंग लगने लगा। माई गॉड, कहीं पे झरने हैं, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, इतने अच्छे अच्छी सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं, लेकिन अब तक उसने कुछ नहीं देखा था। तो ही वॉज वॉन्टरिंग एंड ही वॉज मेज विथ ऑल दोज थिंग्स टुगेदर एंड इस एक्चुअली इस सारे इन्जॉयमेंट में समहाउ ही गॉट लॉस्ट एंड ही कीप ऑन फ्लाइंग। जब उसे प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी, तो उसे समझ में आया कि वो काफ़ी दूर चला आया है एंड उस चक्कर में अभी उसको लगा कि अरे मेरा केज कहाँ है, मेरा मास्टर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। एंड जब वो आगे पीछे सब तरफ देख रहा था तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब तो मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। एंड फिर वो उदास होने लग गया, फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया, फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो एक बहुत ही अच्छा बड़ा सा पेड़ उसे दिखा, वहाँ पे जाके एक डाली पे बैठ के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, अरे कोई तो मुझे बताओ मेरा केज कहाँ है, कोई तो मुझे बताओ मेरा मास्टर कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ, किसे ढूँढूँ, एंड हेल्प हेल्प प्लीज़ हेल्प करके ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अब वो शाम का समय था तो जो पंछी जिनके वहाँ उस पेड़ के ऊपर घर है, घर नेस्ट है, वो सब वापस आ रहे थे उसी टाइम पर। तो सब लोग देख रहे थे कि ये क्यों रो रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है। तो बहुत सारे पंछियों के झुंड में से एक वाइज ऑल जो है वो वहाँ पे आया और उससे पूछने लग गया कि भाई क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा है। और बाकी सारे अपना कौवा, चिड़िया, मैना, अपना पैरट, सब उधर ड्रामा देखने के लिए बैठ गए कि क्या चल रहा है। तो ये छोटा पंछी बोलता है कि मैं ना मेरा रास्ता भूल गया हूँ, मैं तो मेरे केज में रहता हूँ और समहाउ मेरा मास्टर वो केज खुला छोड़ गया तो मैं बाहर निकल गया और उड़ते उड़ते मैं इधर आ गया और मैंने पहली बार उड़ा तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना दूर आ गया, अब मुझे रास्ता नहीं पता मेरे घर का, मैं क्या करूँ।
जैसे उसने ये कहा सब, तो सारे के सारे बच्चे जोर जोर से उस पर हंसने लग गए। अरे पगले, तुझे फ्रीडम मिल गया और तुझे केज में जाना है, ऐसे करके सब उस पर हंसने लगे और ये और जोर से रोने लगा। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्यों हंस रहे। फिर ऑल ने उन सबको शांत किया एंड ऑल कहता है, अच्छा तुम दुखी किस लिए हो? तो वो कहता है, हाँ मेरा मैं मेरे मुझे मेरी मास्टर की याद आ रही है और मुझे प्यास लगी है ना, मुझे भूख लगी है ना, खाना कौन देगा? तो आउल उसे कहता है, तुम्हें सामने नदी दिख रही है? तो जो छोटा पंछी होता है वो कहता है, हाँ उसके अंदर पानी है, तुम्हें पता है उस पानी से तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। कहता है, सच? इतना सारा पानी मैंने तो कभी नहीं देखा। कहता है, हाँ इतना सारा पानी और ये सब तुम्हारे लिए। फिर वो कहता है, ये तुमने पेड़ देखा है? इस पेड़ पे कितने फ्रूट्स लगे हैं देखो जरा। तो वो देखता है आजू बाजू, कहता माय गॉड सो मेनी फ्रूट्स, मैंने इतने सारे फ्रूट्स कभी नहीं देखे एक साथ। तो कहता है, देखो यहाँ पे किसी चीज़ की कोई स्केयरसिटी नहीं है, जब तुम्हें भूख लगे तुम फ्रूट्स खाओ, जब तुम्हें प्यास लगे तुम पानी पियो, और सारी चीज़ें यहाँ पे है और खुला आसमान तुम्हारे लिए है। तुम केज में जीने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम एक पंछी हो, तुम्हारी लाइफ उड़ने के लिए है, तुम्हारी लाइफ जीने के लिए है, और तुम पिंजरे में कैद ये डिजर्व नहीं करते, तुम उड़ना डिजर्व करते हो। और जब ऑल ने ये कहा तो वो छोटा पंछी, उसको रियलाइज हुआ, हाँ मैं केज में रहने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ, और उड़ना मेरी फितरत है, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रीडम ये तो मेरा अधिकार है, मेरा हक है। तो मेरे मास्टर ने क्या मेरे साथ अच्छा किया या मेरे साथ नाइंसाफी की? अब ये तो क्वेश्चन मार्क है। अब इस स्टोरी से क्या मॉरल लेना है वो तो आप डिसाइड करो, लेकिन क्या हम भी किसी केज में हैं? वो केज क्या आपका जॉब है, जहाँ पे आप बोरिंग वही काम रोज करते हो, उसी नैगिंग बॉस को सुनते हो, उसी इरिटेटिंग कलीग्स के साथ रहते हो? क्या वो आपके घर के रोज के रोजमर्रा के वही सेम सिमिलर काम है जिसमें आप बस बिजी हो गए हो और अपनी खुद की जो पोटेंशियल है, खुद की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसे नहीं पहचान रहे हो कि आपका फ्रीडम किस में है, आपका पैशन क्या है? क्या आप वही कर रहे हो जो आपको करना चाहिए या बस उस केज के अंदर अपनी लाइफ जी रहे हो? ये सारे सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढने हैं एंड मॉरल आपको खुद बनाना है। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।